दोस्तों, कैसे हो आप? आपको आज मैं एक अच्छी खबर देने वाला हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो किया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि गौरव तिवारी भाई पे एक बुक आने वाली है, और वो आज एक मोमेंट आ गया है। मोमेंट आ गया है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका कवर लॉन्च हो गया है। ये बुक लॉन्च होगा 2 सितंबर को, जिस दिन गौरव तिवारी जी का बर्थडे है। लेकिन कवर लॉन्च हो गया है इसका, और ये सारे डिस्क्रिप्शंस इसमें दिए गए हैं। मैं सारे लिंक्स वगैरह मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किनका क्या कंट्रीब्यूशन है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आप लोगों को जानना चाहिए अगर आप वाकई में गौरव भाई को जानना चाहते हैं। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि इस वीडियो को करने का बस मेरा एक ही मकसद है। आज की जनरेशन गौरव भाई को भूल गई है ना, वो उनको याद रखे। मतलब यूट्यूब में ना, यूट्यूबर के भीड़ में ना, आज की जनरेशन इनको भूल गई है। एक लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो की थी कि 2016 में जियो आया, लेकिन जितने भी आज यूट्यूबर हैं जो भूत प्रेत पे वीडियो बनाते हैं, जो वायरल हैं, वो बोलेंगे नहीं कभी, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके ना, वो कभी नहीं कह सकते वो कि हाँ, अगर आज मुझे पब्लिक जानती है तो गौरव तिवारी भाई के कारण जानती है, और ये फैक्ट है। देखिए, आज बुक लॉन्च हुई है, बुक सॉरी बुक नहीं लॉन्च हुई, कवर लॉन्च हुआ है। प्री बुकिंग चल रही है अमेज़ॉन पे। देखिए, लोगों ने खरीदना शुरू भी कर दिया है। ये लोग स्क्रीनशॉट डाल भी रहे हैं। कोई अनिर्बन चक्रवर्ती है, इन्होंने प्री ऑर्डर पहले ही ऑर्डर कर दिया है। हालांकि 2 तारीख को ये बुक लॉन्च होगी। ये अमेजोन में है। देखिए, अमेजोन का लिंक है ये, गोस्ट हंटर गौरव तिवारी पेपरबैक। ठीक है, पेपरबैक पे ये 304 रुपये का है, 304 रुपीज़ का है। किंडल पे 279 रुपीज़ का है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शाम तक के 4 घंटे के अंदर 1,000 बुक जो है ऑलमोस्ट वो सेल हो चुके हैं, 4 घंटे के अंदर। और ये देखिए लिख रहा है क्या, दिस टाइटल विल बी रिलीज्ड अराउंड सितंबर 2, 2021, प्री ऑर्डर नाउ। क्वांटिटी मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी भी जो अमेज़न में, चूंकि मैं भी सेलर रहा हूँ तो बताता हूँ, 30 तक इन्होंने अलाउ किया है। मतलब 30 से ज़्यादा कोई क्वांटिटी खरीद नहीं सकता। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं बताता हूँ, क्योंकि जो ये बुक लॉन्च हुई है अमेज़न में, इसको वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने किया, और वेस्टलैंड पब्लिकेशन अमेज़न इंडिया का ही है। और आज सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि अमेज़न से बड़ा कुछ ना कोई पब्लिशिंग हाउस है। मतलब जेफ बेज़ोस के बारे तो जानते हो ना, दुनिया का सबसे रिच इंसान, तो ये उनकी कंपनी के ऊपर है, अमेज़न में आया है। इसमें आपको सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे कि गौरव तिवारी के लाइफ में क्या था, नहीं था, कौन कौन किसका किसका इसमें सपोर्ट है, नहीं है, वो सारा कुछ आप देखना। पार्किंग हॉन्टेड वीडियो से लेकर के लंबी धार एंड ब्ला ब्ला जो भी है, बहुत सारा आपको मतलब मज़ा आने वाला है इसमें। ये आपको अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ एक फैमिली भी एक बुक ले लेना। मैं कहता हूँ कम से कम अपने बच्चों को बताओ, जो आज आपके बच्चे हैं ना, 17 साल, 18 साल, 19 साल के, जो यूट्यूबर्स के भीड़ में खो गए हैं, जिन जिन्नात भूत प्रेत, उनकी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप बुक खरीदेंगे तो आप ये मत सोचिए कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को या वकार राज को इसका कोई पर्सनल फायदा है। जो पब्लिशर है उसको फायदा है, और जो भी है, इसके बाद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसी पे सीरीज आने वाली है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और क्षमा कीजिएगा कि मैं आजकल वीडियो पे ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाता हूँ यूट्यूब के लिए। मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं, ये मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे 14 आवर्स, 15 आवर्स काम करना पड़ता है। अब आपको बता देता हूँ, देखिए जो इस तरह के एड्स चलाए आप देख रहे हो, ये
ये गूगल पे जो ऐड है, देखिए पहला ऐड किसका है, अमेज़ॉन का है, फिर एनपीसी वायरलेस का है, फिर स्नैपडील फ्लिपकार्ट, फिर एनपीसी वायरलेस का है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, क्योंकि इस तरह के एड्स अगर कोई चलाता है ना, उसको बहुत कुछ पे करना पड़ता है, बहुत कुछ, तब जाके उसके लिए बिजनेस जनरेट होता है। और दिखाता हूँ, ये यूट्यूब वीडियो है, कोई किसी की यूट्यूब वीडियो थी ये। इस पे देखिए डायमंड एंटेना का ऐड आ रहा है, अब इसको देखिए सेलर कौन है, यहाँ ऐड आ रहा है किसका, एनपीसी वायरलेस। एज ए यूट्यूबर जब आप मेरी एड्स देखते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ अर्निंग आ जाता है, या उसको क्लिक करते हो तो। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी मुझे अर्निंग आती है उससे कई गुना ज़्यादा मैं गूगल को पे कर रहा हूँ, ताकि अदर यूट्यूबर्स को भी बेनिफिट हो। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि मैं यूट्यूब पे पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। ये सारी स्टोरी है आज की, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन करना, रिलेटेड टू बुक, नॉट रिलेटेड टू दिस एड्स। ये एक बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, लिंक्स डाल दूंगा कि इस बुक के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है अभिरूप धर का एंड सोहेल माथुर। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है। आपको मज़ा आएगा भी किताब पढ़ के, लेकिन जब आप इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखोगे, लाइक कुछ भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, वो नेटफ्लिक्स हो सकता है, अमेजन प्राइम हो सकता है, वूट हो सकता है, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। सब्र का फल मीठा होता है, याद रखिएगा। मैंने कुछ भी वीडियो में गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रमोट कर सकते हैं ये जो बुक का लिंक हो, आप अपने एंड से करें। इससे क्या होगा ना, गौरव भाई को एक, जो इनका नाम खत्म हो रहा था ना, वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। और ये आप लोग ही कर सकते हैं। अभी के लिए काफ़ी है, फिर बहुत जल्दी किसी आउटडोर वीडियो पे मैं मिलता हूँ, जब तक मैं दिल्ली में हूँ, बहुत जल्दी मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप सब सेफ रहना, सुरक्षित रहना, अपना ध्यान देना और खुश रहिएगा।